गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ दोस्तों, मस्त भी हूँ पर थोड़ी बहुत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में ना छाले पड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। और मैं आई हूँ रायवाला, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो दोस्तों पहले तो थैंक यू सबको कि आपने मेरे को पहले ब्लॉग में बहुत प्यार दिया, और ऐसे ही मेरे को सारे ब्लॉग में प्यार देते रहना, ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों इसके लिए। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं बना रही हूँ नाश्ता, और मम्मी लोग गए हैं, मम्मी मामी लोग गए हैं कहीं बाहर, और अभी जब वो आएंगे ना तो तब बताऊँगे। आज फुल डे हम इन्जॉय करने वाले हैं मस्त, ठीक है? तो सबसे मिलवाऊँगी मैं आपको। और मेरे दोनों भाई गए हैं स्कूल, क्योंकि उनके चल रहे हैं आजकल एग्ज़ाम। तो चलो चलते हैं, मेरे को अभी काम मिला है किचन में खाना बनाने का, तो मेरे को खाना बनाना है, तो मिलती हूँ मैं आपको। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे पत्ते गोभी की सब्ज़ी बना ली, क्योंकि मानी नाना को कम मिर्च मसाले वाली सब्ज़ी चाहिए, इसलिए ये ऐसी होती है, क्योंकि वो बीमार है ना। तो बीमार लोगों का खाना कैसा होता है आप लोगों को पता ही होगा। और अभी मेरी सिर्फ सब्ज़ी बनी है, मुझे अभी रोटी बनाना है और बाकी पराठे भी बनाने हैं। सब्ज़ी बन गई फाइनली, थोड़ी सी पकनी बाकी है। तो गाइस अब मैं देखो कितनी गोल रोटी बनाने लग गई हूँ, कहीं मेरे गोल के चक्कर में ना ये टेढ़ी ना हो जाए। थोड़ी जल गई, कहीं नहीं सीख जाऊंगी मैं कुछ टाइम में। वैसे भी अब तो मेरी शादी होने वाली है ना, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सीरियसली मत लेना। सारा काम निपट गया है, नाश्ता मैंने बना लिया है, आपने देखा होगा मैंने नाश्ता क्या बनाया है, कितनी मेहनत से बनाया है। और पर एक बात है, आज मेरा हाथ नहीं जला, वरना मेरा हाथ ना दोस्तों यहाँ से पूरा जलता है, ठीक है? तो अब मैं नहाऊँगी जाके, मम्मी लोग बाहर पे काम कर रहे हैं, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। नानी नाना ने तो कर दिया, क्योंकि उनका दवाई खानी थी। और अब हम चलते हैं बाहर, नहाते धोते हैं जरा, ठीक है ना? तो गाइज़ अभी 11:30 बज चुके हैं और अभी हमारा नाश्ता नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे घर की 2 कार्यशील महिलाएँ अभी भी लगी हुई काम पर, आतंक। और इन्होंने यहाँ पूरी बाड़ लगा ली है, घर में जितनी भी साड़ी धोतियाँ और जो कुछ भी कंबल चादर सब थे, सब बाड़ में चिपकाए हुए हैं, ये देखो। और ये देखो गाइस, ये पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गाय ने मचाया है रायवाला में आतंक। और ये कह रहे हैं कि जिसके घर में कुछ एक्स्ट्रा धोतियाँ कंबल चादर होंगी तो इनको दे देना, वो यहाँ बाड़ में काम आ जाएंगे, ठीक है ना? तो गाइस कृपया अपना योगदान जरूर दें, और कमेंट में सबसे पहले योगदान दें अपना, उसके बाद बात कर लेंगे, संपर्क कर लेंगे, ओके? ये देखो इनके काम। तो गाइस सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि ये बेर का पेड़ तोड़ के लाया था, कि उसके पूरे काट रहा है, छोटे छोटे बेर भी लगे, सर नहीं आई, इतने जीते जागते पेड़ को काट के लाए, क्या फल लग रखे उस पर। ये देखो गाइस कैसे लोग आएंगे, देखो पूरे बेर तोड़ के ले आए। तो गाइस मेरे बालों को ध्यान मत देना, और मैं आप लोगों से एक चीज़ फिर से पूछ रही हूँ आज, कि क्या मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना दोस्तों कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं। अगर नहीं बनाना चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताना, उसके बाद मैं ब्लॉग बनाना कर दूँगी बंद, क्योंकि मुझे कुछ मतलब कि आंसर नहीं मिल पा रहा है कि मुझे बनाना चाहिए नहीं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मुझे लगता है नहीं पसंद कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, फिर भी आप अपना एक बार सजेशन ज़रूर दे देना दोस्तों, तक प्यार से मांग रही, ओके? शाम के 6:30, मैं मम्मी और मामी हम तीनों जा रहे हैं घूमने नहर वाले रास्ते, नहर वाली गली से जा रहे हैं हम तीनों के तीनों। और ये देखो इतना खतरनाक रास्ता है यहाँ का। तो गाइस अभी मैंने पहना है कुर्ता, मैं दिखाऊंगी अभी आपको पूरा अपना गेटअप, ठीक है? कितना खतरनाक गेटअप तुमने कहीं नहीं देखा होगा जितना मैंने पहना हुआ है आज। मैंने कुर्ते के नीचे जूते पहने हुए, ये देखो, अभी देखा है तुमने ऐसा?
नहीं देखा तो आज देख लो, ओके। और ये देखो यहाँ खेतों में लोग काम कर रहे हैं अपने अपने। तो गाइज आप मेरे चारों ओर एक सुंदर सा व्यू देख रहे होंगे। तो ये जहाँ पर मैं हूँ अभी, तो ये एरिया आता है राजा जी नेशनल पार्क के अंदर, और राजा जी नेशनल पार्क यहीं से होकर लगता है, और यहाँ से आगे से हरिद्वार, वो सामने जो पीक दिख रही है ना, तो वो मनसा देवी चंडी देवी पीक है। सामने हरिद्वार दिख रहा है, शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ज़्यादा नहीं, वो पहाड़ी दिख रही है जो सामने वो। और दोस्तों अभी इनके घूमने का एरिया इधर ही है ना, तो इधर जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आता है, और मतलब पूरी झाड़ी झाड़ी है यहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया। और ये आगे से मम्मी और मामी घूम रहे हैं। जूता है, ऊपर सलवार और कुर्ता है, बताना ऐसे कॉम्बिनेशन पहले कहीं देखा है क्या? अगर देखा है तो मेरे को कमेंट कर कर जरूर बताना, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जा रहे हैं घूम के अभी घर की ओर, और ये है हमारी घर की टू लेडीज, और ये देखो मेरे पीछे पूरा प्यारा सा जंगल दिख रहा होगा आपको, तो इनको पूछना चाहूँगी मैं। तो हाउ आर यू? आई एम फाइन। मामी आप कैसे हो? तो है, मस्त है, मेरी मम्मी हमेशा मस्त रहती है, बस मम्मी फाइन रहती है हमेशा। और तो कैसा लग रहा है आपको घूमते वक्त? शायद पहली बार घूम रहे होंगे आप, आपको काम से फुर्सत मिलती कहाँ है? और आपको कैसा लग रहा है? हम तो डेली घूमने वाले हैं। गुड, हम भी तो डेली घूमने वाले हैं। घूमना इज गुड फॉर हेल्थ, ओके। और तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको यहाँ? हमको तो ठीक लग रहा था। हमको नहीं, आपको? मेरे को तो ठीक लग रहा है, मेरे को तो सभी जगह ठीक ही लग रहा है। सभी जगह, ओके। और आपको कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा। और यार कोई मुझे भी तो पूछो मुझे कैसा लग रहा है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और बुरा भी लग रहा है क्योंकि कल मैंने घर जाना है। देखो गाइस, ट्रू लव इज कॉल्ड दिस डेफिनेशन ऑफ दिस। चले, हाँ चले। तो जो भी मुझसे शादी करेगा तो ये वीडियो जरूर देखना, और ये चीज़ जरूर देखना, ओके। जिसको मेरे साथ इतने टाइम तक रहना है वही मेरे से शादी करना, वरना बाकी गो। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना।